नमस्कार, कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर आते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर ध्यानेश्वर निरागुड़ी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त। जांच के बाद का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डॉक्टर ध्यानेश्वर निरागुड़ी ने आज दिनांक 12 अगस्त को प्रातः जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कक्ष में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी बीदर का पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी डॉक्टर राजशेखर पाटिल, डॉक्टर किरण पाटिल, डॉक्टर शरणैया स्वामी, डॉक्टर शंकरप्पा बोमा, डॉक्टर दिलीपा डोंगरे, डॉक्टर वीजी रेड्डी, डॉक्टर नितिन बिरादर और तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार सिद्धेश्वर, डॉक्टर संगारेड्डी, डॉक्टर अशोक मिलारे, डॉक्टर गायत्री और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिला रायपल्ली, डॉक्टर रवि कलशेट्टी। इस अवसर पर पदभार ग्रहण करने वाले डॉक्टर ध्यानेश्वर निरागुड़ी ने उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों से जिले में व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और सुचारू प्रशासन के लिए विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। बीजेपी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बी वीरप्पा की अध्यक्षता वाली एक समिति कार्यान्वयन परियोजनाओं पर काम की जांच कर रही है तो ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करना उनकी सरकार के लिए अनुचित होगा। जांच पूरी हुए बिना बिलों के निस्तारण के लिए धनराशि जारी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कई अधूरे कार्यों के लिए पैसा जारी किया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि ठेकेदारों को उनके द्वारा पूरे किए गए कार्यों के भुगतान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसी कमीशन के पैसे के पक्ष में नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने कमीशन लिया है। किसी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार जांच नहीं रोकेगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार उन लोगों के पीछे है जो भ्रष्टाचार में शामिल है। सिद्धरामैया ने कहा कि 10 मई के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भाजपा शासन के दौरान हुए सभी घोटालों का पर्दाफाश करने का वादा किया। कर्नाटक के मतदाताओं ने हम पर भरोसा किया और हमें सत्ता में भेजा। यह अपना वादा निभाने का समय है, इसलिए हमने 40% कमीशन के आरोप की जांच का आदेश दिया है। कर्नाटक राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने मोबाइल वितरण इकाइयों, डोर डिलीवरी वाहनों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों के दरवाजे पर सार्वजनिक विवरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन पहुंचाने की आंध्र प्रदेश सरकार की पहल की सराहना की। अपने निजी काम से विजयवाड़ा आए मुनियप्पा ने शुक्रवार को एपी राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय का दौरा किया। मुनियप्पा का स्वागत करते हुए एपी नागरिक आपूर्ति मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव ने लाभार्थियों के दरवाजे पर राशन की डिलीवरी के बारे में बताया। एमडीयू का निरीक्षण करने के बाद मुनियप्पा ने कहा कि वह राज्य के मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद कर्नाटक में भी इसी तरह की प्रणाली लागू करने का प्रयास करेंगे। मुनियप्पा ने नागरिक आपूर्ति गोदाम और वितरण के लिए तैयार रखे गए राशन स्टॉक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जोर देते हुए पायलट आधार पर रायलसीमा क्षेत्र में बाजरा वितरित करने की पीएम सरकार एपी सरकार की पहल की भी सराहना की। यह देखते हुए कि पीडीएस के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से लोगों को प्रचुर मात्रा में पोषण तत्व मिलेगा, कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि मध्याह्न भोजन में फोर्टिफाइड चावल परोसने से स्कूली बच्चे अधिक स्वस्थ होंगे।
उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जो बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा अगर मैंने ठेकेदारों से कमीशन मांगा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वह कुछ विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कांग्रेस नेता बिलों को मंजूरी देने के लिए 10-15% कमीशन की मांग कर रहे हैं। शिवकुमार ने व्यंगात्मक ढंग से पूछा यह कमीशन किसने मांगा है, क्या डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया, मंत्रियों, विधायकों या अधिकारियों ने पूछा। उन्होंने कहा भाजपा जो ठेकेदारों के बकाया बिलों को लेकर इतनी चिंतित है उन्हें भुगतान क्यों नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने अपने कार्यकाल के दौरान ठेकेदारों के बिलों का भुगतान क्यों नहीं किया। बोमई और अशोक भाजपा विधायक ठेकेदारों के बकाया बिलों का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या उनके पास संसाधनों या वित्त की कमी थी। पहले भाजपा के विद्वेषी नेताओं को इस सवाल का जवाब देने दीजिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हमसे यह जांचने के लिए कहा है कि क्या काम हुआ है और क्या 40% कमीशन के बारे में केम्पन्ना की शिकायतें सच हैं। वह राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार के शीर्ष नेताओं और मंत्रियों ने किए गए कार्यों के बिलों को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन की मांग की थी। शिवकुमार ने कहा बीजेपी नेताओं ने इस सदन से कार्यों में अनियमितताओं की जांच की भी मांग की थी। हमने एक जांच समिति बनाई है जिससे यह सत्यापित करने के लिए कहा गया है कि दावे के अनुसार काम किए गए हैं या नहीं। पूरे प्रदेश में जांच कराई जा रही है, काम हो गया तो बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। क्या हम अभी कुछ समय तक इंतजार नहीं कर सकते। ठेकेदारों को आत्महत्या या दया मृत्यु की बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि उनके बयानों के पीछे कौन है। लोकतंत्र में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की उम्मीद की ही जाती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ठेकेदारों के एक वर्ग द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उनकी सरकार को अनावश्यक रूप से निशाना बनाने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भगवा पार्टी सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगा रही है क्योंकि उसे 2024 का लोकसभा चुनाव हारने का डर है। सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए वह राज्य सरकार और मंत्रियों पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा हमारी गारंटी की सफलता के बाद वे बिना किसी सबूत के हमें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कृषि मंत्री चलवराय स्वामी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। ये भाजपा की योजनाएं हैं, वे 3 साल तक सत्ता में रहे लेकिन ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर सके। अब उन्हीं ठेकेदारों से हाथ मिलाकर लड़ने का उन्हें क्या नैतिक अधिकार है। उसने कहा उन्होंने याद दिलाया है कि सरकार ने पिछले भाजपा शासन के दौरान लागू बीबीएमपी कार्यों की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने भाजपा सरकार के कथित 40% घोटाले की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी वीरप्पा के नेतृत्व में जांच का भी आदेश दिया है। जांच पूरी होने से पहले बकाया बिल का पैसा जारी करना उचित नहीं है। सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करने वाले किसी भी ठेकेदार के साथ अन्याय नहीं होने देगी। करोड़ों रुपए के बिटकॉइन घोटाले की जांच में एक बड़े मोड़ में सीसीबी अधिकारियों के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है जिन्होंने पहले मामले की जांच की थी। एफआईआर विशेष जांच दल एसआईटी की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी जो अब फॉरेंसिक परीक्षणों से पता चला है कि जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस मामले की जांच कर रही है। मामले के जांच अधिकारी डीएसपी के रविशंकर की शिकायत के आधार पर 9 अगस्त को
कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी शिकायत के अनुसार 5 डिजिटल उपकरणों, 2 पेन ड्राइव, 2 एप्पल मैकबुक और 1 हार्ड डिस्क में नई फाइलें बनाई गई, जो आरोपियों से संबंधित थी। उन्हें जब्त करने और पुलिस हिरासत में रखने के बाद अपनी शिकायत में डीवाईएसपी ने कहा कि पुलिस ने 2020 में केम्पेगौड़ा नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में आरोपियों से डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। इस मामले को बेंगलुरु सीसीबी के अधिकारी संभाल रहे थे। सरकार द्वारा मामला एसआईटी को स्थानांतरित करने के बाद उपकरणों को जब्त कर लिया गया। उपकरणों को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया है, जिससे उनमें से कुछ में नई फाइलों के निर्माण का पता चला। शिकायत के अनुसार पुलिस ने 9 नवंबर 2020 को 2 पेन ड्राइव जब्त की, 11 नवंबर को उनकी मिरर इमेजिंग की गई और पाया गया कि उनमें से अतिरिक्त फाइलें बनाई गई हैं। 1 हार्ड डिस्क और 1 एप्पल मैकबुक को 17 नवंबर को जब्त कर लिया गया था और परीक्षणों से पता चला है कि अतिरिक्त फाइलें 18 और 21 नवंबर के बीच बनाई गई थी। इसी तरह 20 और 21 नवंबर के बीच एक अन्य मैकबुक में अतिरिक्त फाइलें बनाई गई थी, जबकि डिवाइस 19 नवंबर को जब्त किया गया था। बीजापुर शहर में आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के पीएसआई इब्राहिम डुडासाई के नेतृत्व में 80 लाख के सिगरेट को जब्त किया गया, यह जानकारी एसपी आनंद कुमार ने पत्रकारों को दी। इस मौके पर एसपी ने पुलिस अधिकारी व कर्मियों को अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा की और उन्हें सर्टिफिकेट आदि वितरित किए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। शिक्षित बेरोजगार जो सरकारी पदों के लिए कुंडली पक्षियों की तरह इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब पदों के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है और वे 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यादगिरि जिला पंचायत के तहत 10 ब्लॉक एनआरएम विशेषज्ञ, जिला जीएसआई जीआईएस विशेषज्ञ, मनरेगा योजना के तहत पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यादगिरि जिला पंचायत की आधिकारिक अधिसूचना दिनांक अगस्त 2023 के माध्यम से ब्लॉक एनआरएम विशेषज्ञ, जिला जीआईएस विशेषज्ञ के पदों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त को या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर ध्यानेश्वर निरागुड़ी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त। जांच के बाद ठेकेदारों के बिल का भुगतान किया जाएगा, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के मंत्री ने आंध्र प्रदेश की राशन। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।